आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए राणा गुरमीत सिंह सोनी। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनलों पर, सरकार की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज की धरती से पीएम मोदी का विरोधियों को जवाब, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर बताई वजह। लखीमपुर खीरी में केस, राहुल गांधी बोले पीएम किसानों से माफी मांगते हैं, कैबिनेट से किसानों के हत्यारे को नहीं हटाते। कोरोना के 453 मौत के साथ 24 घंटे में आए 5000 नए केस, ओमिक्रॉन के मामले हुए 200। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बुलंदशहर में पाक के गेट के ऊपर के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर एक बार फिर लिखा गया है कि काफी लंबे विवाद के बाद पार्क पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम लिखा गया है। जहां कुछ महीने पहले कल्याण सिंह के नाम लिखे जाने पर नगर पालिका की ओर से बोध बैठक में हंगामा हुआ था। यहाँ की जो जनता ही सबकी एक जनभावना थी कि ये जो पार्क पर बाबूजी के नाम से हो, और ये नगर पालिका बोर्ड में ये प्रस्ताव हुआ, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, और ये अब जो कमिश्नर साहब के यहाँ से अनुमोदन होगा है कि जनता के अनुरूप और जनभाव। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 86वां दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं। वहीं 69 छात्राओं को 109 पदक दिए जाएंगे, जहां 45 छात्रों को पीएचडी और 53 को एमफिल की उपाधि मिलने वाली है। 6 छात्रों को वह जयंती पुरस्कार दिए जाएंगे। मेडिकल की छात्रा शिवानी सिंह इस दीक्षांत समारोह में सर्वाधिक पदक पाकर गोल्डन गर्ल बन गई। अब खबर रामपुर से है, जहां दुनिया भर में आतंक मचाने वाले कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के बाद अब उसके न्यू वेरिएंट ने देश विदेश में लोगों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल बना दिया है, जिससे न केवल विदेश में बल्कि देश के कई प्रदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद अब प्रदेश सरकार ने प्रशासन को सुरक्षा और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की मॉनिटरिंग प्रशासन की ओर से की जा रही है। विदेश से आने वाले यात्रियों का डाटा प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को यात्रियों की जानकारी दी गई। रामपुर में अब तक लगभग 60 ऐसे यात्री पहुंचे हैं जो एड्रेस कंट्री से आए हैं, और विदेशों से आने वाले लोगों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। इसके अलावा नॉन एड्रेस कंट्री से अब तक कुल 645 यात्री रामपुर पहुंचे हैं, जिनमें से 98 यात्रियों का कोई अता पता नहीं है, जो प्रशासन के लिए मुश्किल का सबब बने हुए हैं, जिनको ढूंढने में स्वास्थ्य विभाग पूरी ताकत के साथ उन्हें ढूंढने में लगा हुआ है। ये जो नए निर्देश आए हैं भारत सरकार की ओर से, जिसको किस कारण से लागू किया गया है कि पूरे विश्व में कुछ देशों में ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट फैल रहा है और कुछ देशों में ये नहीं है, तो भारत सरकार द्वारा ऐसे देशों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है जहाँ से यात्री आते हों। इसमें एक हिस्सा है एट रिस्क कंट्रीज, वो एट रिस्क कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन वायरस फैला हुआ है, और यही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है नॉट एट रिस्क कंट्रीज, जो उन देशों से आने वाले लोग हैं जहाँ ओमिक्रॉन वायरस नहीं है। तो जो भारत सरकार की ओर से निर्देश है वो ये है कि जो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं उनसे आने वाले सभी यात्रियों को जो है एयरपोर्ट पर ही सैंपलिंग की जाती है उनकी, और उसके बाद वो जिस भी जगह के रहने वाले होते हैं वहाँ वो जा सकते हैं, और वहाँ पर जाके उन्हें होम आइसोलेट कर दिया जाता है, और होम आइसोलेट करने के बाद 8वें दिन उनकी जो है सैंपलिंग ली जाती है, और हमारी जो टीम है वो टीम उनको 3रे दिन और 7वें दिन, दूसरे दिन और 5वें दिन और 8वें दिन मिलती है। 3
और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो तुषार, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला जिसमें 98 यात्रियों के लापता होने की बात कही जा रही है? तुषार, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जिसमें से इसमें ये हो रहा था कि जो भी यात्री विदेश से आ रहा था उसमें उसकी मॉनिटरिंग पूरी की जा रही थी। तो 645 लगभग यात्री वहां से आए थे जिसमें 98 लोगों की अभी तक मतलब वो लोग गायब हैं, लेकिन रामपुर का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, मतलब उन लोगों को ढूंढने की पूरी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी जी तुषार, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्या अभी तक एक भी उनमें से कोई किसी का पता नहीं चल पाया है? मैं आपको बताना चाहूंगा अर्जी, असल में क्या है, ये 98 जो यात्री हैं वो इन्हीं लोगों के साथ में आए थे, लेकिन असल में उन लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उन लोगों ने जो भी अपने फोन नंबर रजिस्टर कराए थे वो नंबर उन लोगों के गलत पाए गए हैं, इसलिए इन लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रशासन की जो पूरी टीम है, जो रामपुर TMO है, उन्होंने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है और उन लोग मतलब जो प्रशासन है वो उनके घर घर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, उनको ढूंढने की पूरी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और बहुत जल्द ही ये 98 के 98 यात्री मिल जाएंगे। जी तुषार, ये जो 98 यात्री बताए जा रहे हैं, क्या ये सभी 98 यात्री विदेशों से आए हैं या लोग या आसपास से भी बताए जा रहे हैं? जी नहीं, ये सभी यात्री जो थे ये सब मजदूरी के लिए और किसी और अन्य किसी अपने काम वाम के लिए ये लोग विदेश गए थे, तो विदेश से ये लोग लौट रहे थे, लौट के यहाँ पर आए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तुषार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। सीतापुर में तहसील सदर के गांव अड़बेनिया ग्राट निवासी के दो लोगों ने धोखाधड़ी कर बेनामे का कुटकरण कर फर्जी तरीके से प्रार्थी गढ़ों की पूरी जमीन हथिया ली गई। यहां प्रार्थी के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अब इस मामले में कहा जा रहा है कि प्रार्थी की भूमि का बैनामा रद्द कर प्रार्थी की जमीन नहीं मिली तो आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। पूरे मामले को लेकर बता दें कि प्रार्थी ने तहसील स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक न्याय की शिकायत की थी, जहां लेकिन प्रार्थी को न्याय नहीं मिला और विपक्षी गण भूमाफिया दबंग और उच्ची पहुंच वाले हैं, जहां इनके प्रभाव से अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इस संबंध में थाना पे कई धाराओं के मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन प्रार्थी को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हर पार्टी खुद को हिंदुत्व के नजदीकी बताते हुए दूसरी पार्टी सनातन धर्म का विरोधी बता रही है। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए आए बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सनातन धर्म का विरोधी बताया। उन्होंने CM के साथ संप्रदाय को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि नाथ संप्रदाय ब्राह्मण विरोधी है, जो ब्राह्मण चुटिया रखता है नाथ संप्रदाय वाले उस अपने दुश्मन समझते हैं। वहीं बीजेपी सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस सरकार में 500 ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं, 100 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो चुका है, इससे ज्यादा सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ क्या कर सकी है। वहीं काशी विश्वनाथ और विंध्य कॉरिडोर पर कहा कि यह लोग धर्म को पर्यटन बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अब की बार चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना निश्चित है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जितना 2007 में हम लोग सीटें लाए थे, अब की बार उससे कहीं ज़्यादा सीटें हम लोग लेकर के आएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो समाजवादी पार्टी में जितना हाहाकार मचाया था, गुंडागर्दी, माफिया गर्दी, तरह तरह की चीज़ें थी, तो इस सरकार में भी उससे आगे बढ़ करके कर रहे हैं। और यहाँ पर हर व्यक्ति परेशान है। ये जो अभी की सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ये किसानों के विरोधी सरकार है, महिलाओं के विरोधी सरकार है, महिलाओं का हर 2 घंटे में एक बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके और व्यापारी और मजदूर बेरोजगार सब परेशान है और सब याद कर रहे हैं बहन मायती जी की सरकार को, जिसमें भाईचारा था, सबकी देखभाल होती थी, सब लोगों को तरक्की हो रही थी। और अब की बार इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत
सहारनपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मामूली विवाद में गला रेत कर हत्या कर दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। वही घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुबह की घटना है और जो आरोपी गली में फरार है, घटना के पीछे जो पड़ोसियों ने बताया है कि इनका मियां बीबी का झगड़ा था और पत्नी जो मृतिका है बार बार अपने मायके जाने के लिए कहती थी और ये उसे मायके नहीं जाने दे रहे थे। कुछ दिन पहले मृतिका के भाई ने आके इनके साथ कलीम के साथ झगड़ा किया था, मारपीट किया था, उसी को लेकर ये घटना कारित हुई है। रायबरेली में कई गांव की महिलाओं का समूह बनाया गया, जहां पर इम्तियाज अहमद समेत कई लोगों ने फर्जी तरीके से सिया फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलकर ठगी की है। लगभग सैकड़ों की संख्या में महिला समूह बनाकर 2000 रूप का चूना लगाया गया। इम्तियाज अहमद ने बिना सही आईडी प्रूफ के 3 लोगों को अपने मकान में ऑफिस खोलने के लिए कमरे दिए हैं। हमारे यहाँ समूह बनाने 2 लोग गए थे, उन्होंने 30,000 रुपए का लालच दिया लोन करने के लिए। उसके बाद 2,000 रुपए बीमे का जमा कराया और चले गए। हम लोग यहाँ आए, उन्होंने बोला कि 4 बजे तक हम पैसे डाल देंगे आपके अकाउंट पे, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। उसके बाद 5 बजे के बाद हम लोगों ने ट्राई किया फोन, तो स्विच ऑफ आ रहा तीनों, और रात में आए यहाँ देखने के लिए कि वो लोग हैं कि चले गए, तो कोई नहीं था। यहाँ खिड़की कमरे में 4 कुर्सियाँ थी, टेबल था और 5 सारे पेपर जो हैं वो सारे रखे थे, लेकिन वो नहीं था। इनका मकान जो है वो पूरा दरवाजा यहाँ से बाहर तक सारे दरवाजे खुले थे, यहाँ कोई नहीं। बोले कि जो है दीदी यहाँ पे समूह बनवाई है आप लोग, और हमारी यहाँ सलोन ब्रांच में कंपनी है सिया फाइनेंस, और आप लोग को पैसा का आवश्यकता हो कि ब्याज बहुत कम है इसमें, और आपको बीमा का पैसा देना है 2,000 हाथ में और बाकी आपका 30,000 अकाउंट में आएगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है। तो शनिवार को हम लोग को सुबह यहाँ 10 बजे बुलाए थे, सुबह हम लोग 10 बजे यहाँ आए तो पैसा जमा करवा लिए। कितने रुपए जमा करवाए? 2,000, 2,000 हम 6 लोग थे, तो हम लोग से पैसा जमा करवा लिए। बोले कि 4:30 बजे पैसा आप लोग के अकाउंट में आ जाएगा, और ना आए तो एक बार हमसे फोन कर लेना। तो हम लोग 4 बजे तक इंतजार किए, 4:30 बजे जब पैसा सेवा केंद्र में चेक कराने गए तो पैसा नहीं आया किसी का। तो हम लोग इनके पास फोन करना शुरू किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ गया। तो ये हुआ कि चलो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, कल देख लेंगे। जो कल यहाँ आए तो यहाँ ताला लगा था। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार को कुचलने के बाद ट्रक सहित चालक फरार हो गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के AB सिंह डिग्री कॉलेज के सामने का है। फरुखाबाद में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों ने रोड को जाम कर दिया। आरोप लगाया जा रहा है कि भारी मात्रा में संचालित हो रहे अवैध अस्पतालों के खिलाफ CMO ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरी घटना की जानकारी पर महादेव हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का कारण महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पथरी के ऑपरेशन के नाम पर 20,000 देने के बाद तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर ने 1,00,000 रुपए और जमा करने की मांग की, जहां जमा न करने पर अस्पताल संचालक ने मरीज की छुट्टी करने से मना कर दिया। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा ये भी कहा कि महादेव हॉस्पिटल के कर्मी हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। वहीं आक्रोशित परिजनों ने महिला का शव को सड़क पर रखकर मसेनी कादरी गेट मार्ग पर जाम लगा दिया। फरीदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खां में मरीजों की दवाइयों के लिए बाहर भेजा जा रहा है, जहां अस्पताल में दवाइयों का पूरी तरह से कमी बनी हुई है। यहां पर अपना इलाज कराने आए लोग जब दवाइयां लेने के लिए सिविल अस्पताल के स्टोर पर जाते हैं तो वहां उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है। हालांकि अस्पताल के
पीएमओ से डॉक्टर सविता यादव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएंगी। वहीं जब अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सविता यादव ने इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दवाइयां उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक दो दिन में सभी दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। उनका प्रयास रहेगा कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जल्द ही सभी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। सर वजह क्या, ये लापरवाही ज्यादा दिखा रहे हैं, दवाई का ले लो या फिर आप कोई चेकअप डॉक्टर लिख देते हैं तो सीधा कह देते हैं मशीन खराब है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे मशीन रिपेयर नहीं हो रही है। इतनी तरक्की कर ली है हिंदुस्तान ने, मगर आज भी गरीब आदमी परेशान है। किस कारण परेशान है कि ये लापरवाही कर रहे हैं काम में। मशीनें खराब है, अल्ट्रासाउंड करवाने मशीन खराब है, एक्सरे करवाने जाओ तो मशीन खराब है। आप बाहर से करवा लो, बाहर 2-2 हज़ार मांगते, कोई 5-5 हज़ार रुपये। गरीब आदमी अगर बाहर ही चेकअप करवाने हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में आई क्यों रहा। हाँ, वैकल्पिक उपलब्ध जो दवाई है वो उपलब्ध करा दिया जाता है, और अब हमारे पास ज़्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। पहले जैसे एंटी रेबीज और ये हीमोफीलिया फैक्टर्स, ये सब भी हमारे पहले बहुत पहले नहीं अवेलेबल होते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अवेलेबल होते हैं, और ये भी हो सकता है हम कल ही अगर वेयर हाउस पर अवेलेबल हो जाती है तो ये ला देंगे और या दूसरे उससे अवेलेबल करा देंगे। खबर औरैया से है जहां जिला अस्पताल चिचौली में बाथरूम के पीछे एक नवजात का शव खून से लथपथ मिला। वीडियो वायरल होने के बाद सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर पहुंची, जहां मासूम बच्चे को उठाकर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। पूरी घटना के बाद बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटने के सामने आने पर जिला अस्पताल के सीएमएस ने कई जानकारी दी है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चा था, खून से लथपथ था, बहुत अत्यंत गंभीर स्थिति में था, तो बच्चे को तत्काल उसको एसएनसीयू में भर्ती कराया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु भी हो गई है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है, जांच की जा रही है, जांच की जाएगी। जिससे सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे स्टाफ नर्स को एक महिला बाथरूम में एक शिशु के साथ दिखाई पड़ी। बच्चे की स्थिति ठीक नहीं थी, तो हमारे स्टाफ नर्स ने तुरंत उसको जो है एसएनसीयू रिफ़र करके उसको वहां भर्ती कराया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला अपना पता बताने में आनाकानी कर रही थी, और जैसा बाद में फफूंद एरिया की ये मामला है, उपचार के दौरान एसएनसीयू में बच्चे की तो मृत्यु हो गई है। हमारे द्वारा पुलिस इन्फॉर्मेशन एक लीगल कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी है। महिला हमारे अस्पताल में भर्ती है जो कि स्वस्थ है। खबर और रही जिले से है जहां दिव्यापुर थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर में एक मकान में घुसकर दबंगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। घटना के पीछे मकान का विवाद बताया जा रहा है, जिसे लेकर मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन में चल रहा है। पूरी घटना के बाद सीओ सिटी ने मामले में जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। वही घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दुर्गा नगर के एक मकान में महिलाओं व बच्चियों के साथ अज्ञात दबंगों ने मारपीट की है। मामले में अपना दल के जिला अध्यक्ष रविपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले के सीओ सिटी का कहना है कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किरायेदारी को लेकर के और मकान खाली करवाने को लेकर के उनमें आपस में विवाद चल रहा था। उसके उपरांत पूर्व के जो पहले वाले मालिक थे, उन्होंने अपने मकान को एक व्यक्ति के हाथ बेच दिया जो कि असैनी कराने वाला है। कल दोपहर में जो नए खरीदार थे, उनके द्वारा मकान को जबरिया खाली कराया गया, और जिसके उपरांत सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जो आरोपी हैं जिनके द्वारा मकान खाली करवाया गया था, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कन्नौज के हदोई मोड़ में कोलकाता जा रहे ट्रक में अचानक से आग लग गई। बिजली के तार छूने से कंटेनर में आग लग गई, जहां कंटेनर में 103 हीरो कंपनी की बाइक जलकर राख हो गई। समय रहते ही चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली।
ये सब मैं पहली साइड दबा के गाड़ी को निकाल रहा था, जो तार टच हो गया आज अटा गया। कौन सी गाड़ी थी? जी गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी कौन सी है? गाड़ी का नाम क्या है? इसका ये भारत वेंज की है। कहाँ से आ रहे थे आप? हरिद्वार से। कहाँ जा रहे थे? कलकत्ता। गाड़ी में क्या है? बाइक भरी हुई है। ये काम कितने बजे हादसा हुआ है? 11 बजे करीब। कैसे आपने कैसे जान बचाई थी? हैं जी, आप अपनी जान कैसे बचाई? मैंने साहब एकदम वो कंडक्टर साइड के टायर में आग लगते ही मैंने कही आग कैसे लगी, जैसे ही अकस्मात मेरे पास खिड़की खुल गई झट में गिर पड़े हो इधर, फिर जोरदारी से आँच लगने लग गई, फिर मैं गया नहीं, वहाँ मैंने कही इसमें तो आग लग गई तार लग के नहीं। तो दोनों लोग सुरक्षित हो आप? हाँ सुरक्षित है। कहाँ पे घटना हुई है कुछ जानकारी? यही साहब जगह की मैं नहीं जा, हरदोई मोड़ शिमला, गाड़ी 103 है। 103 गाड़ी बाइक है? हाँ। कौन सी है? हीरो की। ये साहब उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।